मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में मध्य प्रदेश आज शाम की 10 बड़ी खबरें। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज का बड़ा दावा, कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में आने को तैयार, हलचल तेज। मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं, इससे पहले नेताओं का एक दूसरे पर बयानों का सिलसिला जारी है। इसी बीच दलबदल भी देखने को मिल रहे हैं। बीते दिनों कांग्रेस के एक विधायक ने फिर से बीजेपी का हाथ थाम लिया है। इसके साथ ही अब तक 27 विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि कांग्रेस जहां अपने विधायकों पर पकड़ खोती जा रही है, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और खुलासा कर कांग्रेस को नई परेशानी में डाल दिया है। दरअसल सीएम शिवराज ने पार्टी दलबदल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 4 विधायक अभी भी भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जितने भी लोग हैं वे कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं। अभी हाल में खंडवा में जन संबोधन के दौरान कांग्रेस पार्टी के विधायक सचिन बिरला कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। बीते साल जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायक कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हो गए थे, इससे प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों को लेकर नई अपडेट, कमेटी गठित, कलेक्टर एसपी को बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों की तारीख का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन चुनाव आयोग की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। संभावना जताई जा रही है कि दिवाली बाद कभी भी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और नवंबर दिसंबर के बीच मतदान कराए जा सकते हैं। इसी कड़ी में पंचायत आम निर्वाचन के लिए स्टैंडिंग कमेटी गठित कर दी गई है। इसमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अध्यक्ष होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने जानकारी दी है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए जिला स्तर पर स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे। पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत और निर्वाचन से जुड़े अधिकारी जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समझे सदस्य होंगे। दो दिनों की शांति के बाद पेट्रोल डीजल दामों में फिर आग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बुधवार को कच्चे तेल के उच्चतम स्तर पर बने रहने के कारण घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दो दिनों की शांति के बाद फिर से आग लग गई। इन दोनों की कीमतों में 35-35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 107.94 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.67 रुपए प्रति लीटर के सर्वकालीन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भोपाल में पेट्रोल सबसे महंगा 116.58 रुपए प्रति लीटर पर और डीजल 105.97 रुपए प्रति लीटर पर। पटना में पेट्रोल 111.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 103.25 रुपए प्रति लीटर। बेंगलुरु में पेट्रोल 111.66 रुपए प्रति लीटर और डीजल 102.57 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। रांची में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मात्र 21 पैसे का अंतर रह गया है। कोरोना की रफ्तार तेज, आज फिर 20 पॉजिटिव, इंदौर भोपाल ने बढ़ाई चिंता। मध्य प्रदेश में दिवाली से पहले एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेज हो चली है। 26 अक्टूबर को 27 केस सामने आने के बाद आज 27 अक्टूबर को फिर 20 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें इंदौर भोपाल में फिर केस मिले हैं। राहत भरी खबर यह है कि 10 लोग डिस्चार्ज होकर घर लौटे। इसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 108 हो गई। कोरोना संक्रमण की दर मात्र 0.02% और रिकवरी रेट लगातार 98.60% बनी हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कोरोना के आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 केस मिले हैं, 10 लोग ठीक हुए हैं, 108 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में हैं, रिकवरी रेट 98.6 है, 56,000 टेस्ट किए गए हैं। इससे पहले मंगलवार को 27 केसों में इंदौर में 9, भोपाल में 8 और नरसिंहपुर में 5 नए मामले सामने आए थे। नए केसों में भोपाल और इंदौर जैसे बड़े जिलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एमपीपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा की तारीखों का ऐलान, 8 नवंबर को जारी होंगे प्रवेश पत्र। एमपीपीएससी ने राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 14 नवंबर को आयोजित की जाएंगी और परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए प्रवेश पत्र 8 नवंबर को उपलब्ध होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर, उज्जैन, ग्वालियर और सतना जिलों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को 3 नवंबर को उनके पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से परीक्षा शेल के बारे में सूचित किया जाएगा। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उपचुनाव बुधवार शाम से थम जाएगा प्रचार प्रसार। 30 अक्टूबर को प्रदेश में एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट के लिए होने जा रहे मतदान के लिए प्रचार बुधवार से हम रुक जाएगा। इसके साथ ही प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में लगे बाहरी नेताओं को भी जिले से रवानगी लेनी पड़ेगी। इसमें खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित प्रदीपुर, जोबड़ और रेंगा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए किया जा रहा प्रचार बुधवार को शाम 6 बजे थम जाएगा।
इसके बाद कोई भी सभा या रैली नहीं हो सकेगी। प्रतिबंध अवधि में उम्मीदवार घर घर संपर्क करेंगे, इसमें भी अधिकतम 4 व्यक्ति उनके साथ रह सकते हैं। इसके साथ ही बाहरी व्यक्तियों को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार उपचुनाव का प्रचार थमने के बाद बाहरी व्यक्तियों को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन होटल, धर्मशाला आदि स्थानों की जांच भी कराएंगे। उम्मीदवार घर घर संपर्क कर सकते हैं, पर वे अपने साथ कोई प्रचार सामग्री नहीं रखेंगे। इन कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, हर महीने 10,000 तक बढ़कर आएगी सैलरी। इन दिनों देश भर के कर्मचारियों को सेवंथ पे कमीशन के तहत सौगात मिलने का सिलसिला जारी है। अब सेल के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिला है। सेल के सभी कर्मचारियों को 26.05% पर्क्स देने का फैसला किया गया है। इसके तहत 70,000 से ज्यादा कर्मचारियों को 6 से 10,000 रुपए तक का हर महीने लाभ हो सकता है। सिंधिया की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात, ग्वालियर चंबल के लिए की ये बड़ी मांग। अशोकनगर हितेंद्र बुदौलिया ग्वालियर चंबल अंचल में खाद की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज भारत सरकार ने रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से व्यक्तिगत रूप से भेंट करके आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया। मंत्री मंडाविया जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुरोध को स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश प्रदान किए कि गुना जिले के लिए एक रेक डीएपी खाद के लिए तत्काल आदेश जारी करें। सिंधिया ने बताया कि एक रेक अर्थात 3,500 टन डीएपी खाद कल या ज्यादा से ज्यादा परसों तक गुना पहुंच जाएगी। इस रेक के आने के बाद काफी हद तक जिले में खाद की आपूर्ति हो सकेगी। सीएम शिवराज बोले, लोगों को ट्विटर कमलनाथ नहीं, आवास योजना के मकान चाहिए। मध्य प्रदेश उपचुनावों के प्रचार के अंतिम दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनता से अपील की कि हताशा में और निराशा में गिरी कांग्रेस के बजाय विकास के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की विजय बनाएं। बुधवार को मध्य प्रदेश में होने वाले लोकसभा की एक और विधानसभा की 3 सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार का समापन हो रहा है। इसके पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने धुआंधार प्रचार कर अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के साथ रेगा की कोटी पहुंचे और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनता से सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस चुनाव जीतती है तो वे विकास कर पाएगी। बीजेपी और विकास अब एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं और इसलिए बीजेपी के प्रत्याशी को जिताकर रेगा अब एक नया अध्याय लिखेगा। आश्रम 3 वेब सीरीज विवाद, साधु संतों ने कहा नहीं सहेंगे सनातन संस्कृति का अपमान, सड़कों पर उतरने की चेतावनी। राजभोपाल नवदुनिया प्रतिनिधि राजधानी भोपाल में प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा उग्र विरोध जताने और जेल परिसर में चल रही शूटिंग के दौरान तोड़फोड़ करने जाने के बाद अब साधु संतों ने भी इस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राजधानी के मानस भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर साधु संतों ने इस वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि इस मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर दर्ज प्रकरण वापस लिए जाएं। उन्होंने वेब सीरीज के शीर्षक को लेकर भी आपत्ति जताई और इसके पिछले संस्करणों में से भी विवादित दृश्यों को हटाने की मांग की। ऐसा नहीं करने पर साधु संतों ने चेतावनी दी है कि सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए।